এদিকে কাশীপুরে সাধুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত 12 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের রঘুনাথপুর সাব ডিভিশন আদালতে আনা হয়। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পুলিশের তরফে সাধুদের সম্ভাব্য সব রকম সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় তদন্ত চলছে। ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राइम किया। तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वैंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैकुएटेड द साधुस। पुलिस प्रोवाइडेड देम ऑल पॉसिबल पुलिस प्रोवाइडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। द वैंडलाइज्ड व्हीकल वाज रिफर्ड। एक केस स्टार्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट सबमिटेड बाय द साधु। 12 पर्सन हैव बीन अरेस्टेड सो फार, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। हम लोग जो इसमें कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन।